स्विमिंग पूल के किनारे नेहा धूपिया ने फ्लॉन्ट किया अपना बेबी बम्प, लिखा दो की पूल पार्टी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया दोबारा मां बनने वाली हैं और वो अपनी प्रेगनेंसी टाइम को काफी एंजॉय कर रही हैं। बावन साल की उम्र में भाग्यश्री ने बिकनी में दिखाया अपना परफेक्ट फिगर, फिटनेस देखकर फैंस भी हुए दीवाने। सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपना बिकनी अवतार फैंस के साथ शेयर किया है। भाग्यश्री प्रभास के साथ फिल्म राधे श्याम में नजर आने वाली हैं। टीवी के फेमस कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में नजर आने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालकर अपनी दोस्त उर्वशी ढोलकिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हाल ही में टीवी की इन दोनों हॉट बालाओं ने पूल में अपना बिकनी अवतार दिखाया है। इसके साथ एक्ट्रेस तराना में भी पूल में मस्ती करती हुई दिखाई दी। फिल्म वेलकम बैक को लेकर एक्ट्रेस मलिका शेरावत ने एक खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें इसमें इसलिए कास्ट नहीं किया गया क्योंकि डायरेक्टर को अपनी गर्लफ्रेंड को रोल देना था। मलिका ने कहा कि बॉलीवुड में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं कभी किसी एक्टर निर्देशक के साथ नहीं रही। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर निक के साथ फोटो शेयर कर उनके लिए प्यार भरा नोट लिखा। प्रियंका ने इसके साथ ही एक फोटो भी शेयर की है। प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ समय से काम के सिलसिले में लंदन में रह रही थी, लेकिन अपने निक जोनस के इस खास दिन पर वो अमेरिका पहुंची और उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपनी भांजी अलीजे अग्निहोत्री के विज्ञापन की तारीफ की है। उन्होंने इसका वीडियो शेयर करते हुए भांजी के लिए खास नोट भी लिखा। अलीजे सलमान की बहन अलवीरा खान और अतुल अग्निहोत्री की बेटी है। सलमान की भांजी हाल ही में एक ज्वेलरी ब्रांड के एक एड में दिखाई दी थी। 17 सितंबर को रिकॉर्ड टीकाकरण होने से एक पार्टी को बुखार आ गया। 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है, इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री ने गोवा की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक और भौगोलिक चुनौतियों से निपटने के लिए जिस तरह का समन्वय गोवा में दिखाया गया है वो सराहनीय है, तेजी से टीकाकरण होना इसका प्रमाण है। अपने जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर पीएम ने कहा, मेरी इतनी उम्र में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बन गया। इन चीजों से मैं दूर रहा, पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। अमेरिका ने माना काबुल में ड्रोन हमले में मारे गए थे 10 आम नागरिक। रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने मांगी माफी, कहा हमसे गलती हो गई। पीड़ित परिवारों के लिए गहरी संवेदना जताई। ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत 10 निर्दोष लोग मारे गए थे। अमेरिका में फाइजर कोविड बूस्टर डोज को FDA से मंजूरी। 65 साल से अधिक और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को लगेगी वैक्सीन। FDA के विशेषज्ञ सलाहकारों ने कहा, डोज छोटे समूहों को दी जानी चाहिए जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इन्फिनिक्स ने अपना नया बजट स्मार्टफोन हॉट 11S भारत में किया लॉन्च। इसकी कीमत 10,999 रुपए तय की गई। फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट वाली बड़ी डिस्प्ले दी गई है। ये फोन 3 कलर ऑप्शंस में है अवेलेबल।